हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो देखा, हमने देखा कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा किडनी का। अब हम देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेफ्रॉन कंसिस्ट क्या करता है, नेफ्रॉन में क्या क्या होता है। सबसे पहले जो है बोमन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर हमको पूरा देखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका। मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको बोमन्स कैप्सूल। तो इसमें होता ये है कि एक मतलब नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कप शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से कप शेप दिख रहा है आपको, ये कप शेप दिख रहा है, ये होता है। तो इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस कैप्सूल। तो ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस या फिर बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कैप्सूल, जो भी है दोनों में से कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, अब एफरेंट, इसमें जो ये एफरेंट और इफरेंट आर्टिकल्स दिख रही है, तो एफरेंट और इफरेंट ये जो है देखो ये है। तो इसमें इसका पूरा एक ऐसा जाल टाइप, ऐसे एक नेट होता है इसका, आर्टरीज का। ठीक है, ये आर्टरी, एक जो मेन आर्टरी आती है एफ्रेंट और इफ्रेंट, दो आर्टरीज आती है। एक में से जो है प्योर ब्लड रहता है आता है, और एक में से जो है इम्प्योर ब्लड जाता है। तो दोनों मतलब जो है उनका पूरा इस तरह से नेट होता है। तो इसमें जो है इफ्रेंट वालों का एक पूरा नेट ऐसा ठीक से ऐसा पूरा जाल होता है, जिससे क्या हो जाता है कि एक फिल्टर की तरह वर्क करता है ये। ठीक है, फिल्टर की तरह क्या करता है, एक वर्क। तो इसी में से जो है यहीं से यूरिन यहाँ से फिल्टर की तरह वॉक करके यहीं से जाता है। यूरिन जो है वह फिल्टर होने के लिए आता है, मतलब पूरा यूरिन नहीं रहता तब की बात है। तो इसमें होते हैं, फिर इसका एक आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिखा देती हूँ। हाँ, यही है वो डायग्राम, देख लीजिए। तो इसमें अब सेकंड है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो है ये यहीं से ग्लोमेरुलस के बाद, ये बोमन्स कैप्सूल के बाद यहाँ से, इसे बोलेंगे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ तक जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इसका फिल्ट्रेशन होता है, और एक कॉइल्ड होती है। ठीक है, क्वाइल्ड होती है, और यह हेनले लूप तक जाती है ये, और ये इसकी सेल जो है एब्जॉर्बेटिव होती है, नेचर में एब्जॉर्ब करती है। यहाँ से जो यूरिन में जो वाटर या जो कुछ अच्छे जो भी मतलब चीज़ें गई हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये एब्जॉर्ब मतलब इसमें एब्जॉर्बटिव सेल्स होती हैं। अब इसके बाद आता है हेनले लूप, सॉरी ये है हेनले लूप, ये पूरा जो है हेनले लूप आएगा, ये हैंडले लूप। तो हैंडले लूप ये इस तरह लूप होता है, ये इसलिए इसको हैंडलेस लूप बोलते हैं। तो हैंडले लूप कैसा होता है, इसमें दो तरह की आर्म्स होती है, असेंडिंग आर्म और डिसेंडिंग आर्म। ठीक है, असेंडिंग आर्म और डिसेंडिंग आर्म जो होती है, ये देखिए आप, ये हैं असेंडिंग और ये है डिसेंडिंग आर्म। तो जो डिसेंडिंग आर्म है ये छोटी होती है थोड़ी सी, और क्या होती है एंड तक आते आते इसमें छोटी हो जाती है, मतलब यहाँ से। और ये जो डिसेंडिंग है पहले छोटी होती है लेकिन जाते वक्त बड़ी हो जाती है। ये देखिए, यहाँ से छोटी, यहाँ से बड़ी है, फिर छोटी हो गई, फिर छोटी लेकिन आगे जाके बड़ी हो जाती है। तो यहाँ से हैंडले का लूप होता है इस तरह का, और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है ये, इसके जो आर्म्स है वो। फिर ये क्या होता है, यहाँ से स्क्वेमस एपिथेलियम और माइक्रोविलाइज होते हैं इसमें जो एब्जॉर्ब, ये भी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ज़्यादातर, मोस्टली यही करते हैं। फिर उसके बाद आती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपको दिख रही होंगी, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सा नेट है तो आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, इसलिए मैं आपको इसमें हाईलाइट करके बता रही हूँ। ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो आगे जाके क्या होती हैं कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती हैं। ठीक है, तो जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ से उसमें जाएगी। तो यहाँ ओपन होता है हेनले का लूप डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में,
और ये कॉन्वोलेटेड होती है, हाईली कॉन्वोलेटेड होती है, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स की बनी होती है, और बहुत सारे नंबर्स में बहुत सारे माइक्रोविलाइज होते हैं। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आती है, तो ये क्या करती है, कलेक्ट करती है जो इसमें से जो भी मटेरियल आया है उसको कलेक्ट करेगी। और प्रेजेंस इसमें क्या होती है, बेलिनी ट्यूब्यूल्स और पिरामिड्स होते हैं कुछ कुछ स्टीरेटेड, और बेलिनी ये सब होता है इसमें, इसकी वजह से ये करती है। अब ये हो गया है इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बहुत आईएमपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टॉपिक्स ध्यान में रख लेना बस कि क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है, सबसे पहले बोमन्स कैप्सूल होता है, फिर बोमन्स कैप्सूल या फिर इसको ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं, यहाँ से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इसका मैकेनिज्म हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका बस मैं बता रही हूँ अभी कि इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है। और फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आती है, फिर उसके बाद हैंडलेस लूप आता है, और फिर आता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, इतना काफ़ी है अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो। और डायग्राम्स दे देना अच्छा खासा, एक फिगर डायग्राम का दे देना आपको, अगर इसका डायग्राम चाहिए तो मैं देखिए डायग्राम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर डायग्राम चाहिए होगा तो। फिर उसके बाद जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 80% तो कहाँ होते हैं नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल में। ठीक, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो 20% ये देखिए जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, तो इसमें जो 20% नेफ्रॉन्स होते हैं वो डिफर होते हैं, मतलब वो अलग होते हैं, थोड़े स्पेशल टाइप के होते हैं, नॉर्मल नेफ्रॉन्स से अलग होते हैं, और थोड़ा ब्लड सप्लाई करते हैं, मतलब थोड़ा अलग इसमें इसका ये रहता है। और ये नेफ्रॉन्स जो है रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं मेडुलरी रीजन और ग्लोमेरुलाइज है, और कॉर्टेक्स एंड मेडुला में नहीं होते ये, मतलब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है बस, ये इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं भी नहीं पढ़ा रही हूँ इसको। अगर आप वीडियोज़ में कमेंट करोगे तो मैं पढ़ाती हूँ इसका आगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, बस पूछा जाता है कि जक्स्ट्रा मेडुलरी ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, तो ये जो 20% ये रीज़न रहता है उसका ये बता सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट हम ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये ब्लड सप्लाई भी देखेंगे और मैकेनिज्म देखेंगे पूरा यूरिन फॉर्मेशन का। तो मैकेनिज्म जब हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन का, तब इसमें आएगा पूरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है। फिर अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर विथ मैकेनिज्म, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म बताइए, तो आप इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये बता देंगे और मैकेनिज्म ये बताएंगे, मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा आ सकता है, छोटा भी आ सकता है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताइए 3 मार्क्स के लिए भी, तो आप उसमें स्ट्रक्चर बता सकते हो डायग्राम के साथ में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।